उज्जैन एसटीएफ ने हथियारों के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 पिस्टल मिली है। पुलिस ने आरोपियों के गैंग और लिंक्स की पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए उज्जैन से रेखा गोस्वामी की यह रिपोर्ट। एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। मुख्य आरोपी गोपाल दीवान और उसके 2 सहयोगी प्रकाश और आत्माराम के कब्जे से, वो एक इंडिका गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी में से और उनके कब्जे से टोटल 14 देसी पिस्टल जब्त की गई हैं और 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिस्टल जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। देखने पर ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वो देसी या हाथ से बनाई गई होंगी। आरोपी को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। सर कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये हमने इंगोरिया के पास से इनको गिरफ्तार किया है। बाकी ये कहाँ से लेके आए थे, कहाँ ले जा रहे थे, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपी 3 मंदसौर के रहने वाले हैं। पूर्व में कोई रिकॉर्ड सर इनका? वो हमने अभी मांगा है इनका आपराधिक रिकॉर्ड से। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।